हेलो एवरीवान माई ने वेलकम यू ऑल ऑनियर्स यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे हाउ टू टैकल टैट इन एस एस बी एंड बिफोर दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट नो की वारियर्सिंग एस एस बी कोचिंग डिफेंस एस्परस एंड नाउरिंग एस एस बी प्रिपरेशन so what is tat first we all should know that what is tat tat is very much similar to your ppdt and tat's full form is thematic appreciation test what's the difference between tat and ppdt is that in ppdt we give uh, like the um, the officers the test ones, they give you one picture but in tat there are many pictures from which they ask

इनिशियली थर्टी सेकेंड्स के लिए दिखाई जाती है और उसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन रखनी है उस बारे में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन में आप देखिए ऑब्जर्वेशन में पहले आपको देखना क्या है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर आप याद रखिएगा पीपीडीटी में भी मैंने जो टिप्स वाली वीडियो लग के आई थी उसमें भी मैंने कैरेक्टर पे काफी फोकस किया था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे आप ध्यान रख दीजिए उनका एज जेंडर ये अपने हिसाब से आप डिसाइड जेंडर तो देख के बता सकते एज को आपको अपने हिसाब से देख के सोचना पड़ेगा उनका क्या उस पिक्चर में रिलेशन निकल के आ रहे हैं क्या रिएक्शन वो दे रहे हैं ये चीज भी ध्यान रखिएगा और इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है व्हाट इज गोइंग ऑन तो वो चीज भी देखिएगा एक थीम सेट कर लीजिए अपनी स्टोरी के लिए और फ्यूचर जो आगे चल के उसका क्या एक्शन निकलेगा उसका अगर कंक्लूजन आपको समझ आता है उस पिक्चर को देखने के बाद तो आप उस चीज को भी लिख सकते हैं पहला है ऑब्जर्व द डिटेल्स ढंग से हर एक पिक्चर की डिटेल्स पे जाइए सारे जितने भी जॉट डाउन करिए जॉट डाउन मतलब लिखिए जितने भी डिटेल्स आपको पिक्चर देख के समझ आ रहे हैं उस पे आंसर बुकलेट जो आपको दी गई है उस पे साइमिलटेनियसली लिखते जाइए कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया नहीं जाएगा तो प्लीज टाइम के हिसाब से अपना काम टाइम पे फिनिश करिएगा टाइम पे स्टोरी लिखने का काम फिनिश करिएगा अनलाइक पीपी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जब उनको आपकी स्टोरी का, का पसंद आ जाती है तो वो आपको थोड़ा और टाइम देते हैं बट नहीं दिया जाता यू है डिटेल जैसे डिटेल्स लिख दी पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए तो आपको इलाबोरेट करना है एंड ऑब्जर्वे ऑब्जर्व करना है उस पूरे पिक्चर को और मीनिंगफुल पॉजिटिव स्टोरी निकालना है कुछ 200 से दो सो वर्ड्स में ठीक है जिसमें दो से तीन पैराग्राफ्स होने चाहिए फॉर नेक्स्ट फोर मिनट्स ठीक है तो मतलब ज्यादा बड़ी भी स्टोरी नहीं लिखनी 200 से 250 फिफ्टी वर्ड की स्टोरी होनी चाहिए दो से तीन पैराग्राफ्स होने चाहिए उस स्टोरी में द फर्स्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब वॉट हैपेंड ठीक है जो पहले पैराग्राफ है उसमें क्या बातचीत चलेगी कि वॉट हैज हैपेंड कि क्या क्या हो हो मतलब क्या हो गया है ठीक है क्या क्या हो चुका है इस पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि क्या होने वाला है या प्रोबेबल फ्यूचर एक्शन इस पिक्चर को देखिए क्या निकल सकता है ठीक है और फाइनल आउटकम क्या है द फाइनल पैराग्राफ फाइनल जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें पॉजिटिव आउटकम ऑफ द स्टोरी में आपको लिखना है तो मुझे उम्मीद है आपको यह चीज समझ आ गई होगी कि पीपीजीटी से कैसे डिफरेंस है और इसमें क्या क्या लिखना है क्या क्या बातें होगी ठीक है आगे हम बढ़ते हैं कि वही पीपीडीटी का मैंने थोड़ा कंपेयर किया कि उससे ये काफी हद तक मतलब तो चीजें सेम है लेकिन डिफरेंस आपका ये है कि पिक्चर्स नहीं मतलब इतनी सारी पिक्चर्स जो होती है वो आपको नहीं दी जाती है पीपीडीटी में इसमें थोड़ी सी पिक्चर्स आपको दी जाती है और इसके हिसाब से टाइम भी दिया जाता है अब बात करेंगे इस इस वाली स्लाइड में दिस इज द सेम एज पीपीबीटी बट हेयर प्रेशर ऑन द कैंडिडेट इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग मल्टीपल पिक्चर बैक टू बैक जो अलॉटमेंट है टाइम लिमिट का वो भी कम हो जाता है पिक्चर क्योंकि ज्यादा पिक्चर मिलती है स्टोरी लिखने का ज्यादा होता है और टाइम आपके पास कम होता है तो इस पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू पीपीबीटी अब देखो अब मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिया है इसको पढ़ते हैं जैसे कि द कैंडिडेट मस्ट रिमेम्बर सर्टन एसेंशियल एलिमेंट्स कुछ कुछ एलिमेंट्स उसको देखने चाहिए मतलब देखना पड़ेगा एक टाइप का आपको कोई भी पिक्चर दी गई होगी उसकी स्टोरी दी गई होगी तो उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स या कॉम्पोनेंट्स आपको पूछा जाएगा जैसे कि द हीरो हर स्टोरी में हीरो होता है एक मेन कैरेक्टर होता है ठीक है तो उस कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है उसको आइडेंटिफाई करना है उस पिक्चर को देखिए इनमें से मेन कैरेक्टर कौन है उस हीरो की क्वालिटीज बतानी है ठीक है जो विच एन ऑफिसर या आर्म्ड ऑफिसर में जिसमें जो प्रोजेस्ट करता है उसकी क्वालिटीज थोड़ी लिख है अपनी तरफ से ही शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग एंड नॉट लाइक अचुरल बींग ही शुड एक्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग ठीक है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जैसा होता है वैसा उसको एक्ट करना है और सुपर नेचुरल नॉट लाइक अचुरल मतलब ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल शक्ति आ गई हो या सुपर मैन बन गया हो या स्पाइडरमैन बना हो ऐसा कुछ अनप्रैक्टिकल चीज़ नहीं लिखनी बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों से इसको हीरो के कैरेक्टर को निभाना है अदर कैरेक्टर जो आते हैं वो जैसे कि सिचुएशन क्या है स्टोरी की ठीक है जैसे कि सपोज स्टोरी में आप अगर देखोगे इस पिक्चर को देखोगे तो व्हाट इट इज हाउ इम इन टू है और क्या है आउटकम uh, कोई क्या कंक्लूजन निकलता है इस पिक्चर का वो भी इसमें बताते हैं दी द थीम और प्लॉट मतलब इस स्टोरी का मेन कहानी क्या है प्लॉट क्या है थीम क्या है ये बेसिकली स्टोरी ये जो प्लॉट है आप ये देखोगे की हीरो और जो अदर कैरेक्टर है उसके मिलम के आपकी क्या स्टोरी निकल रही है और स्टोरी में उस पिक्चर में जो आसपास की रिसोर्सेज आसपास की चीजें उसको मिला के जो आप थीम बनाओगे वो थीम डिसाइड करता है कि स्टोरी तीन में कैसे डिवाइड होती है। The plot should be interesting. Interesting होना चाहिए। एंड अच्छा हम निकलना चाहिए सेल्फ एविडेंट मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें ही होनी चाहिए पूरी स्टोरी में और रीडर मस्ट नॉट रिमेन इन डाउट बट अबाउट कीप गेसिंग इट मतलब रीडर को डाउट में नहीं होना चाहिए कि मुझे समझ नहीं आया उस रीडर को समझ नहीं आया कि ये स्टोरी का एट दी एंड में हुआ क्या तो वो डाउट नहीं होना चाहिए अब देखो एग्जांपल में दिखाती हूँ कैरेक्टर आप आप एक मेन कैरेक्टर देख लो कि इसमें आपको मेन कैरेक्टर कौन सा लग रहा है तो मेन कैरेक्टर जहाँ तक है आपको ये लग रहा होगा क्यों क्योंकि आदमी है भाग रहा है ठीक है अगर इस स्टोरी को आप पॉजिटिव व्यू पॉइंट में लिख के लिखना चाहते हो तो पहले आप बताओगे की क्या हो रहा था ठीक है तो जैसे कि ये जो लड़का है कोई आगे कोई दादी माँ होगी तो उसकी उनको मदद करने के लिए या उनकी से किसी ने चोरी कर ली हो तो उसके लिए लड़का भाग के उनकी मदद करना चाह रहा है और ये आदमी दिखा रहा है कि देखो वो चोरी कर रहा है कोई आदमी है वो चोरी कर रहा है तो वो बंदा भाग रहा है उसको मदद करना या तो ये भी कर सकते हो आपके ये बंदे को नेगेटिव पोर्ट्रेट में डालते हो तो आप ये बोलो कि ये बन ये जो बन, बन बच्चा है ये एक गरीब घर का बच्चा है और इसको अः ये देख रहा है कि इसने इसने देखा कि इसने चोरी करी है तो ये भाग रहा है ठीक है लेकिन आगे चलिए पता चला इसने चोरी नहीं करी थी इसका अः ये गलत फहमी हो रही थी कि इसने चोरी करी है ठीक है तो ऐसे आप अपने हिसाब से स्टोरीज लिख सकते हो और यहाँ पे रिसोर्सेज देखो रिसोर्सेज एक ये की उंगली पॉइंट आउट कर रहा है ये कि ये थोड़ा फॉरेस्ट वाली एरिया में है ठीक है सड़क पे है ठीक है अच्छे शूज पहने हैं तो अच्छे कपड़े भी दिख रहे हैं ठीक है तो इस चीज को इस जैसे इसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर तो टू इसके कपड़े तो थोड़ा बहुत कपड़े को थोड़ी डिटेलिंग को भी देखना पड़ेगा वैसे ये है ये तीन एक बंदे हैं ठीक है ये देखो इनके अपने अपने यूनिफॉर्म्स में, में है ये लोग जीप है ये कोकोनट का वैसे पेड़ है तो मतलब थोड़ा सा स, कोस्टल एरियाज की तरफ ये लोग होंगे ठीक है इसके हिसाब से आपको स्टोरीज बनानी है तो ये क्या सोच रहे हैं क्या प्लॉट है ये सब आप थीम क्या है ये सब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो अब एक ये भी पिक्चर है इसमें जैसे कि ये मेन कैरेक्टर हमें यही समझ आ रहा है ये सब इसके स्टूडेंट्स बोल दो जो नीचे बैठे हैं या इनके कलीग बोल दो हो, या ये कर दो कि ये जो एक इंसान है ये भाषण दे रहा है ठीक है मेन कैरेक्टर में और ये सबको बता रहा है कि हमारे कंट्री में कितनी दिक्कत आ रखी है कितनी दुविधा आ रखी है और हमें क्या, क्या क्या इसके खिलाफ करना चाहिए इसके साथ रह क्या, क्या क्या करना चाहिए

अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एस एस बी प्रिपरेशन करवा रहा है वॉरियस करी सेवन डेज की सो प्लीज़ इनरोल काफी स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट करी है एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस विद दी लर्निंग दे आर रिसीविंग सो प्लीज़ जॉइन एंड थैंक यू सो मच